हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और हम लोग आपका देख रहे हैं 10th क्लास में इकोनॉमिक्स, मुद्रा एवं साख जो हमारा आपका चैप्टर है वो आपका प्रारंभ हो रखा है और उसमें हम लोग आपका प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। एक लेक्चर अभी तक इसमें हो चुका है। आज हम लोग आपका नेक्स्ट आपका लेक्चर जो है यहाँ से ही हमारे प्रश्न उत्तरों को हमको करना है, उन्हीं पर हम अपना ध्यान देंगे। चलिए, अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई परेशान है, कोई चीज आपको पूछनी है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए प्रश्न पर। ₹10 के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इस कथन की आप व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर देखिए। ₹10 के नोट में केंद्रीय सरकार द्वारा गारंटी एक कथन है, यह है एक वचन पात्र है और केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है। बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है जो भारत में औपचारिक क्षेत्र में सभी धन संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया
जाता है। ₹10 के बैंक नोट पर बयान इस विचार से संबंधित है कि RBI धन संबंधी गतिविधियों के कामों में केंद्रीय अंग है। कॉपी करें इसको। क्या लिखा हमने? ₹10 के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, इसकी इस कथन की व्याख्या करें। तो ₹10 के नोट केंद्रीय सरकार द्वारा गारंटी का कथन है, एक वचन पात्र है और केवल भारतीय द्वारा जारी किया जा सकता है, जो भारत में औपचारिक क्षेत्र से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ₹10 के नोट को पर बयान के इस विचार से संबंधित है, RBI धन संबंधी गतिविधियों में केंद्रीय अंग है। कॉपी करिए इसको फटाफट, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। लिखा आपने, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को गौर से देखिए। कह रहा है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। देखिए, हमें भारत में दो मुख्य कारणों से ऋण के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यक है। सबसे पहले क्रेडिट के
अनौपचारिक, स्रोतों को कम करने के लिए क्योंकि कर्ज देने वालों सेठ उच्च ब्याज दर वसूलते हैं। और उधारकर्ता को अधिक लाभ नहीं होता है। दूसरे वे ऐसे लोगों के एक बड़े समूह को ऋण प्रदान करने में होंगे, जो कि एक निजी ऋण प्रणाली से अधिक ऋण प्रणाली से अधिक सरकार को मंजूरी देने पर भरोसा करते हैं। इसको लिखिए। लिख लिया, आगे बढ़िए। थोड़ा सा इसको लिखिए। लिख लिया, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के
संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या करो। क्या करना है? अपने शब्दों में व्याख्या करनी। देखिए, गरीबों के लिए सहम सहायता समूहों के पीछे मूल विचार उन्हें वित्तीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता के लिए ऋण प्रदान करना है। एक स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शामिल करने वाला एक छोटा समूह है जो अपनी बचत को इकट्ठा करके या इकट्ठा करते हैं और इन पर सदस्यों को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा लगाए गए ब्याज दर से कम पर ऋण देते हैं। यदि स्वयं सहायता
स्वयं सहायता समूह, एक वर्ष में अधिक समय तक कार्य करता है तो यह बैंकों से ऋण लेने का पात्र है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अभी जो हमारा आंसर है वो शेष है और समय हो चुका है, तो अभी हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज इतना आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।